शाजापुर में आज सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 6 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों एवं पुलिस की मदद से जिला अस्पताल शाजापुर भर्ती किया गया, जहां उपचार जारी है। मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल ने घायलों का हालचाल जाना, वहीं मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जा चुके हैं एवं घायलों का इलाज जारी है। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग मजदूरी करने पास ही के गांव जा रहे थे। इस दौरान दुपाड़ा रोड कटवारिया गांव के समीप यहां सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। लाल घाटी के कटवारिया गांव में सुबह ट्रैक्टर से बैठ के 7 लोग जा रहे थे, क्योंकि सामान भी भरा हुआ था और ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ने से ट्रैक्टर पलट गया और जो बैठे हुए सवारी थे ट्रैक्टर नीचे दब गए। उसमें पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने इनको निकाला है और हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इलाज चल रहा है। इसमें 4 लोगों को गंभीर चोटें हैं और 2 लोगों को कम चोटें हैं और अभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। FIR दर्ज की जा रही है। आगे भी योजना की जा रही है। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।